गुड मॉर्निंग एवरी वन, सो वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइज, आज मैं फिर से आ चुकी हूँ कॉलेज एंड आज भी मेरे फ्रेंड मेरा वेट कर रही है। यार मैं इसको रोज लेट करा देती हूँ। यार लेट हो गई। हाँ वही तो यार, मैं हमेशा जल्दी निकलती हूँ, पता नहीं लेट कैसे हो जाता है मुझे। गाइज आज का वेदर इतना अच्छा हो रहा है एंड अब तो कुछ दिन कॉलेज आना ही पड़ेगा शायद, है ना, क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी लग रही है, तो जिस दिन ड्यूटी नहीं होगी उस दिन हमें कॉलेज आना पड़ेगा। यार पढ़ना तो जरूरी है ही। गाइस आज हम आपको दिखा रहे हैं अपने कॉलेज का दूसरा डिपार्टमेंट जो कि दूसरी साइड पड़ता है। कल हम उधर जा नहीं पाए थे क्योंकि बहुत देर हो गई थी, तो मैं आज ले चलती हूँ। हम पहुंचने वाले हैं जस्ट बीएड डिपार्टमेंट में एंड यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हैं। यार पता नहीं अभी है नहीं है, कुछ टाइम पहले देखे थे तब तो थे। यार तू पहले ही चली गई मुझसे, आज तो लग रहा है यहाँ पे कोई है भी नहीं। ये देखो, वाओ यार वाओ, कितने ब्यूटीफुल है। उस दिन तो सिर्फ एक ही था, आज तो कितने सारे आ गए। ये है यहाँ का बीएड डिपार्टमेंट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है ना यार। हाँ यार, हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यही है। यार कितनी अच्छी गार्डनिंग हो रखी है, ये देखो। निकल गए हैं बीएड डिपार्टमेंट से, अब चलते हैं संस्कृत वाले में, यानी हम संस्कृत डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं एंड आपको अंदर से दिखाते हैं। यार संस्कृत डिपार्टमेंट भी बहुत प्यारा है, बहुत शांत है ना। हाँ। ये है गाइस संस्कृत डिपार्टमेंट, आज यहाँ भी बंद पड़ा है सारा। हाँ शायद बारिश की वजह से कोई नहीं आया होगा, मौसम वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है। ये है गाइस कुछ ऐसा संस्कृत डिपार्टमेंट, अब बाहर चलते हैं। आजा। तो गाइस ये है यति मैडम मुझे डाउट समझाते हुए। गाइस आपने कल मेरे कुछ फ्रेंड से तो मिल लिया था, आज और से मिल लो। हाय कर दो। हाय। हेलो एवरीवन। तो इसका नाम है कनिष्का एंड इसका नाम है अंतु एंड इन दोनों से तो आपने कल मिल ही लिया था। यार अब तो बारिश भी होने लग गई और वो लोग छोड़ के भग गए हमें। देखियो अब तो बारिश भी तेज होने लग गई है। तो गाइज आज मुझे कहीं और भी जाना था बट लगता है प्लान कैंसिल करना पड़ेगा बारिश की वजह से। वो घर नहीं जाएगी, बारिश तेज हो रही है। यार बारिश तेज हो गई अब तो। जल्दी जल्दी चल। मिली थी ढंग से देख। तो गाइस स्कूटी मिल गई है फाइनली, मिलता है, बाय, ध्यान से जाइयो, बाय। तो गाइस मैं कॉलेज से घर आ चुकी हूँ एंड कपड़े भी बदल लिए हैं क्योंकि बारिश में मैं भीग गई थी। तो यार अभी मैं बना रही हूँ पोहा क्योंकि कॉलेज से आकर मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी एंड मेरा और कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैं अब बना रही हूँ अपने लिए पोहा। तो आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बना। तो सबसे पहले मैंने पोहे को वॉश करके रख लिया है, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च काट ली, नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज नहीं डलेगा। गाइस ये मत सोचना कि ये कुकिंग चैनल है, ये व्लॉगिंग चैनल ही है एंड सबसे पहले मैं घी डालकर मूंगफली को भून लेती हूँ। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी डालकर फिर मैंने उसमें मूंगफली भून ली। अब थोड़ा सा जीरा डालें एंड उसके बाद अगर आपके पास राई है तो थोड़ी सी राई भी डाल दें। राई डालने के बाद ढक्कन लगा दें वरना हमारी सारी राई उड़ जाएगी। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च डालें एंड थोड़ा सा फ्राई करें, उसके बाद आपको इसमें जो भी मसाले डालने हैं
वो आप डाल सकते हैं जिस क्वांटिटी में पोहा है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले डाली हल्दी, नमक, गरम मसाला एंड थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि आपके मसाले ना जलें। थोड़ी देर तक उसे हल्की आंच में चलाते रहें एंड उसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दें। बीच बीच में ढक्कन हटाकर देखते रहें कि कहीं आपका मसाला जल तो नहीं गया। एंड अब ये हो गया है हमारा मसाला रेडी। अब इसको मिला देते हैं अपने पोहे में ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एंड देखिए हमारा पोहा कितना अच्छा कलर का हो गया है। एंड गाइस अब मेरा पोहा बनके रेडी है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं फटाफट से इसे खा लेती हूँ। एंड मुझे आप सभी लोगों से एक चीज और कहनी थी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।